सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का मारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए एक अपडेट निकल के आ रहा है। क्या अपडेट निकल के आ रहा है वो तो गाइस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आपकी स्टडी में हेल्प करने के लिए एक अच्छा ऐप बताना चाहूंगा, डाउट नट। अगर गाइज आप किसी सवाल में अटक गए या फिर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो गाइज सिंपली इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो डाउट नट ऐप के अंदर। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइज वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर कोई भी दूसरे स्टेट बोर्ड का हो, 6 से लेकर 12 तक आईआईटी जी मेंस एडवांस नीट सभी के सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे। और गाइज आपको इस ऐप के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। और गाइज अभी डाउट नेट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्लास 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए क्लासेस है। गाइज 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउट नेट ऐप को यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी डाउट नेट ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज देखो, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए अपडेट निकल के आ रहा है कि गाइज महाराष्ट्र के मार्च तक लॉकडाउन हो गया है। इनडायरेक्टली आपको बोलूँ तो महाराष्ट्र के क्लास 9th और 11th के बच्चे और जितने भी छोटे छोटे स्टूडेंट हैं सभी के स्कूल सही तरीके से रीओपन हो गए 1 अप्रैल से। आपके जो एग्जाम है महाराष्ट्र के अंदर ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ही होगी महाराष्ट्र के अंदर। और जो आपका रिजल्ट है वो भी ऑनलाइन ही डिक्लेयर किया जाएगा। 1 अप्रैल से आपके स्कूल वापस से रीओपन होगी प्रॉपर तरीके से, आपकी फिर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। तो जितने भी महाराष्ट्र के बच्चे उनको सभी को मोटिवेट हो जाओ, टेंशन वगैरह भूल जाओ, आप सभी के एग्जाम ऑफलाइन नहीं होने वाले, अब ऑनलाइन ही होगी। कंसेंट वगैरह आपके पेरेंट्स से अब लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया लॉकडाउन 15 तारीख तक। स्कूल्स वगैरह भी नहीं खोले जाएंगे, स्कूल्स को खोलने में लगभग 1 अप्रैल तक आ जाएगा। 1 अप्रैल से आपके प्रॉपरली स्कूल खुलेंगे सभी महाराष्ट्र के सभी जगहों पर। तो महाराष्ट्र के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो आप सभी चाहते हैं सभी की डिमांड फुलफिल हो गई है। तो गाइज अगर हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, और अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई दूसरा अपडेट आएगा तो मैं जल्दी इस वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आ सकेंगे फिर सेफ रहो।